समाजी ढांचों में जब जुर्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उठाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक नई कहानी लिखती है, हर सुबह अपने साथ एक नई सुबह लाती है, वो सुबह जो हमें रोज जीने की नई वजह देती है। लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जिनकी सुबह अंधेरे से शुरू होती है और उसी पर खत्म? उनके लिए सूरज की पहली किरण कोई नया पैगाम नहीं लाती, क्योंकि उनकी जिंदगी किसी की नफरत का शिकार बन चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक चिंता के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपका प्रोग्राम जिंदगी लेकर। दोस्तों, मुझे आज चिंता हो रही है हमारे समाज की जिसमें हम रह रहे हैं। क्या वाकई में हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित हैं? एक इंसान आखिर इतना वहशी हो जाता है? ये सवाल कहीं ना कहीं आज मुझे कचोट रहा है। मत तोड़ो मुझको ऐसे कि फिर उठ ना पाऊं, ना काटो मेरे पंख ऐसे कि फिर उड़ ना पाऊं, ना रौंदो मेरी रूह को ऐसे कि फिर जी ना पाऊं। तेजाब एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम डर जाते हैं। कांच की बोतल में बंद ये जहरीला रसायन आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये वो रसायन है जिसका सहारा लेकर न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया है। शायद आपने भी सुना होगा एसिड अटैक के बारे में। इस अमानवीय अटैक को सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें कई बार मरीज की मौत भी हो चुकी है और जो जिंदा बचते भी हैं, वो जिंदगी भर इसके दागों को लेकर जीते हैं और हर पल एक नई चुनौती का सामना करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक एसिड अटैक इलेक्ट्रिक बर्न कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें पीड़ित की कितनी बार सर्जरी होगी ये खुद विशेषज्ञ भी नहीं जानते। आज हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में एसिड अटैक के मामलों में 300% का इजाफा हुआ है। 2014 में पूरे हिंदुस्तान में 349 एसिड अटैक के केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि 2013 में 116 और 2012 में 106 ऐसे दिल दहला देने वाले मामले सामने आए थे। ये बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश में महिलाएं कितनी महफूज हैं। कानून ने ऐसे मामलों के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 326A और 326B के तहत रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ऐसे दिल दहला देने वाले हमले होते रहेंगे और आखिर कब तक एसिड अटैक के पीड़ित को हर पल 100 बार मरकर जीना होगा? क्या ये अंधेरा कभी उजाले में तब्दील होगा? क्या इस रात की कभी सुबह होगी? क्या हम कभी उस सभ्य, सुशील और सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां दिन हो या फिर रात हो हर कोई महफूज रह सके, जहां पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव ना हो, जहां इंसानियत का वास और कानून का खौफ, जहां ये जहरीला पानी किसी मासूम की जिंदगी को नरक ना बनाए। दुख होता है मुझे इन हालात को देखकर, दुख होता है मुझे ये सोचकर कि क्या हमने ऐसे समाज की कल्पना की थी। दुख होता है ये देखकर कि किसी की जिंदगी से खेलना कितना आसान हो गया है। दुख होता है ये देखकर कि इंसान आज इंसानियत को भूलकर हर वो काम कर रहा है जिसे सुनकर, देखकर इंसानियत से भरोसा उठ जाए। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि मैं एक ऐसे समाज में रह रहा हूं जहां नफरत किसी भी हद तक जाकर जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। एक एसिड अटैक का विक्टिम किस दर्द से होकर गुजरता है, इसका दर्द हम सबको महसूस करना चाहिए, ताकि हम अपने घर की नींव इतनी मजबूत कर दें कि फिर किसी के ऊपर ये एसिड अटैक ना हो। आज
इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लक्ष्मी अग्रवाल, जो खुद एक एसिड अटैक पीड़ित हैं, जिन्होंने एसिड अटैक पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे दूसरे मेहमान हैं आशीष जी, जो स्टॉप एसिड अटैक नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं। ये संस्था एसिड अटैक के खिलाफ जन जागरूकता लाने के लिए काम कर रही है, साथ ही एसिड अटैक पीड़ितों की मदद भी करती है। हमारे साथ मौजूद है तीसरे मेहमान इकबाल दुर्रानी जी, जो जाने माने फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर हैं। इन सब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुदीप दे जी, जो एसिड अटैक पीड़ितों को लंबे समय से कानूनी मदद देते आ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर सुखदेव जी भी हमारे साथ हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ उस दिन। 2005 की बात है, मैं उस टाइम 15 साल की थी और एक लड़का था 32 साल का, जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। और जब मैंने मना किया उसके अटैक के 10 महीने पहले प्रपोज किया, और उसके 10 महीने के बाद ही वो लगातार 10 महीने कंटिन्यूअस मुझे परेशान करता था। और उसके बाद अचानक से उन्होंने फिर से मुझे मैसेज किया कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन आके खान मार्केट, जो आज जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आके उन्होंने और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने मिलके मेरे ऊपर एसिड डाला। ग्लास में एसिड लेके आए थे, और मैंने बस सिर्फ ना किया था, यही एक रीज़न था मेरे ऊपर एसिड अटैक करने का। एक दिन उन्होंने पूछा और अगले दिन यहाँ तक कर दो। खान मार्केट जैसे पॉश इलाके में जहाँ पर पुलिस पब्लिक रहती है, और उस टाइम पे मेट्रो स्टेशन भी नहीं था, और उस टाइम पे बस स्टैंड था, और ज्यादा भीड़ रहती थी, और सुबह ऑफिस का टाइम होता था। तो उस टाइम पे जब अटैक हुआ, अटैक के ठीक तुरंत बाद ही मैं खूब तेज तेज चिल्ला रही थी। 3 बार मैं रास्ते पे भी गिरी, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन पब्लिक ने मेरे को कोई हेल्प नहीं की। फिर थोड़ी देर के बाद एक अरुण सिंह करके आए और उन्होंने मेरी हेल्प की, PCR बुलाया, और उसके बाद मुझे RML हॉस्पिटल लेके गए। वहीं से एक मेरी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया? नहीं, लोग तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने मेरा कार एक्सीडेंट भी किया, इवन उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए, एक ऐसी जगह जो कहने के लिए बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, खान मार्केट का, वहाँ एक इंसान आता है अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ, और एक छोटी सी वजह के लिए कि उसने उससे शादी के लिए पूछा था, लड़की की मर्जी नहीं थी, उसने मना कर दिया। तो उस ना का जो इतना खतरनाक उसने अंजाम दिया है, इतना खतरनाक एक काम किया है, जिसकी वजह से शायद आज पूरी जिंदगी उनकी एक तबाह कर दी है, और इतनी खतरनाक घटना करने के बाद भी वो वहां से आराम से निकल गए। जो लोग थे वो मदद तक करने के लिए आगे नहीं आए। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हमारे समाज के लिए नहीं हो सकती। हमारे साथ सोनिया जी भी मौजूद है, जो इस दर्द से होकर गुजर चुकी है। सोनिया जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर आप अपने बारे में बता सके। क्या मेरे पे 12 साल पहले अटैक हुआ था, और मैं एक सैलून प्रोफेशनली, आई एम ए ब्यूटिशियन, मैं एक जॉब करती थी, और घर से बाहर होने की वजह से सेल फोन चाहिए था, और मैं उसे लेने के लिए गई तो दुकान कीपर ने मुझे मना कर दिया कि हम बिना आईडी के आपको सेल फोन नहीं देंगे। तो ऐसे डिस्कशन घर में हुआ जाके कि, तो पड़ोस में ही एक शख्स रहते थे, भाई बोलती थी, उन्हें पता चला मुझे फोन चाहिए, तो उन्होंने कहा हम अपनी आईडी पे लाके दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पे कर देती हूँ। उन्होंने एक हफ्ते बाद मुझे फोन लाके दिया जी। और मैक्सिमम मैंने वो 7-8 दिन ही चलाया था। एक पुलिस वाले का फोन आता है कि कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आप बताइए कि हम फलाने थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आप एक चोरी का फोन चला रहे हैं। मैं बहुत घबरा गई थी उस टाइम। उन्होंने पूछा कहाँ से लिया आपने, मैंने उनका नाम एड्रेस दे दिया। उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई थी। जैसे ही वो छुटके आए, उन्होंने अपने घर जाने की जगह मेरे घर आए और बोले कि मुझसे माफी मांगो, वो भी सड़क पे सबके सामने, जिसके लिए मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरी मिस्टेक नहीं है, मैं क्यों माफी मांगू। फिर डैडी से भी थोड़ी बहस हुई इस बात को लेकर के, और एक दो बार उसने मेरा रास्ता भी रोका था। उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद उसने मुझ पर अटैक किया था, और वजह सिर्फ एक सॉरी ना बोलने की वजह से उन्होंने हरकत की। उसके बाद आपने वो पुलिस वाले को बताया, किसी को नहीं बताया? जब मुझ पे अटैक हुआ,
मेरे काफ़ी क्वांटिटी में एसिड था और मेरे भी मतलब इतनी भीड़ थी, किसी ने हेल्प नहीं की थी, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे। मेरे लिए अच्छा ये था कि मैं घर के नज़दीक थी, इसलिए शायद मैं आज जिंदा हूँ। अगर मैं घर के नज़दीक नहीं होती और ऐसे तमाशा होता तो शायद मैं नहीं बचती। 1 किलोमीटर दूर था जहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे, वहाँ जाके मैं बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हुआ है। जैसे मैं होश में आई बस मुझे ये पता चला कि उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। लक्ष्मी जी और सोनिया जी, आप दोनों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद जिंदगी कितनी और कैसी बदल गई आप लोगों की? आप खुद समझ सकते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और अचानक से आपके ऊपर एक ऐसा हादसा होता है, जिससे कि आज मैं लकी हूँ कि मेरी दोनों आँखें हैं। जैसे सोनिया एक आँख से देख पाती है, एक आँख नहीं है। बहुत सारी ऐसी हमारी दोस्त है जिनकी दोनों ही आँख नहीं है। और ज़िंदगी भर बहुत सारे जैसे सर्वाइवर्स है कि डेथ हो जाती है, फैमिली पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पूरी ज़िंदगी भर का ट्रीटमेंट होता है और इतनी सर्जरीज होती हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं होता है, और लगातार उसमें इतने बड़े बड़े कॉस्ट आते हैं। और उसके बाद आप एक नॉर्मल लाइफ में स्टडी करते हैं, आप अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाते हैं और कुछ बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम उस वक्त में, उस एज में सिर्फ ट्रीटमेंट करा रहे थे, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे थे, अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। इन सारी चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है, सोसाइटी के तमाचे होते हैं जो हमें इतना मारते हैं कि हमें वहाँ पे खड़े नहीं होने देती। इवन हमारे घर के अंदर तक मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है कि रिलेटिव्स इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि शादी सबसे पहला सवाल यही होता है, और हम लड़की हैं तो ये शादी कैसे होगी। जब मैं 2.5 महीने के बाद जैसे ही घर पे आई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, तो मुझे लोग जब देखने के लिए आ रहे थे तो मेरे पेरेंट्स यही कह रहे थे कि शादी कैसे होगी, चेहरे पे डाल दिया, कहीं और डाल दिया होता, या जान से मार दिया होता, या हाथ काट दिया होता, या गोली मार दिया होता। ये लोगों के रिएक्शन। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें क्रिमिनल बना दिया गया, और जो क्रिमिनल है उसे एक सर्वाइवर बना दिया गया, और वो उसकी इजली आराम से शादी हो गई, वो भी अरेंज मैरिज। मेरा जो क्रिमिनल था ठीक 1 महीने के बाद बेल पे आया, और उसके बाद उसने सबसे पहला काम यही किया, उसने अरेंज मैरिज की, और 1 साल तक वो बाहर रहा। और मेरे को एक तरीके से बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला, सोसाइटी ने भी रिजेक्ट कर दिया, और इन सारी चीज़ों से मैं एक अनजान रह गई। तो इतने सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। सोनिया जी, आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अटैक से पहले नॉर्मल लाइफ हर कोई जीता है, लेकिन अटैक के बाद जब हम लोग बाहर जाते हैं, जिस समाज में हम पहले रहते हैं वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। उनका सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी इसीलिए उसके साथ। आप कैसे जजमेंट कर रहे हो, आपको पता है क्या आपको कि क्या बात है क्यों? लेकिन नहीं, समाज अपना जजमेंट खुद बना लेता है। दूसरा, हम लोग जैसे मैं खुद एक जॉब करती थी, मिडिल क्लास से थी, मैं जॉब लेने जाती तो शायद मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्यूटी बहुत मायने रखती है। आप अच्छे दिख रहे हो तो आपके लोग आपके लिए जॉब है, अगर आप अच्छे नहीं दिखते हो तो आपके लिए जॉब नहीं है। तो इस तरह की बहुत दिक्कतें आती हैं। आप घर से बाहर निकलने में कतराने लगते हो क्योंकि आपका समाज, आपका आस पड़ोसी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप जॉब लेने नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि आप सुंदर नहीं हो। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है। जो अटैकर है वो कोई सर्वाइव नहीं करता। सर्वाइव हम तब से करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब हम लोग चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम कैसे बाहर जाएंगे। इवन मैं भी पहले सोचती थी कि मैं कैसे बाहर जाऊंगी। मैं शायद मैंने निकलने के लिए सोचा भी नहीं था कि मैं अपने आप को कवर करके चलती थी कि कोई मुझसे पूछेगा कि क्या हुआ है, तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं ये बोलूंगी कि मुझ पर अटैक हुआ है। मैं बोलती थी शायद मैं कुछ और रीज़न दूंगी कि कहीं मुझे समाज जजमेंट ना करने बैठ जाए जी। लेकिन नहीं, जब तक मैं खुल के सामने नहीं आऊंगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा। तब मैं सामने आई, और ठीक है जिसकी जो धारणा है, जिसको जो सोचना है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ। हालांकि मैं अपनी सोच बदल के मैं बाहर आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करने में हो जाती है स्टार्टिंग में। और सबसे जो मेन पॉइंट होते हैं हमारे पेरेंट्स। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मेरे ही किसी रिलेटिव ने कहा था कि बेकार हो गई है, मरवा दो इसको। आपके पेरेंट्स से कहा? नहीं, किसी रिलेटिव ने कहा मेरे पेरेंट्स से। तब मेरे फादर ने कहा कि नहीं, चाहे कैसे भी सही मुझे चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने दिन रात एक किया मुझे कैसे भी करके, मतलब सोना क्या नींद क्या होती है शायद वो भूल चुके थे। बस उनका मकसद था कि मैं बच जाऊं। वो लोग जो मेरे को उस टाइम मरने के लिए बोल रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम जवाब दिया कि आप मतलब
उनका कहने का मतलब क्या था कि कोई सामान है कि खराब हो गया तो फेंक दो? मतलब लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि अच्छा इंसान है तो आप जीने के लायक है, अगर आप अच्छे नहीं है तो आप जीने के लायक नहीं हो। अब रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं दो बहादुर लड़कियां, फराह खान और मीना सोनी जी, जो एसिड अटैक के बाद अब जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। फराह, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, सबसे पहले अपने साथ हुई घटना के बारे में बताएं। मेरे साथ 2011 में 11 फरवरी को मेरे हस्बैंड ने अटैक किया था जी, और उसका रीजन यही था कि वो गुड कैरेक्टर के नहीं थे और मुझे हमेशा मेंटली टॉर्चर करते थे, काम नहीं करते थे, मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिलने देते थे, दूसरी लड़कियों से अफेयर चलाते थे, कॉल गर्ल्स घर पे लाते थे अपने दोस्तों के साथ, और मेरे ऊपर शक करते थे, मुझे किसी बच्चे तक से बात नहीं करने देते थे। चार चार दिन मुझे भूखे प्यासे रखा, छः छः महीने में नंगे पैर फिरी, मुझे मतलब बहुत उन्होंने इतना टॉर्चर करा कि मतलब मैं 6 साल तक तो उनके साथ रही, लेकिन 6 साल में मतलब कर्जा लेके आते थे तो वो कर्जदार हमारे दरवाजे पे आके हमको जलील करके जाता था, लेकिन ये सारी चीजें हमने कभी किसी से शेयर नहीं करी। जितनी भी तकलीफ उसने हमें दी वो हमने बर्दाश्त की, लेकिन हमने कभी किसी के आगे बोला नहीं ये चीज कि मतलब घर की बात है, बाहर जाएगी तो मतलब हमको ये सब गलत बोलेंगे। उसके बाद 6 साल तक हम उनके साथ रहे, फिर उसके बाद वो हमको छोड़ के मुंबई चले गए। जब मुंबई गए तब भी वो कर्जदारों ने मुझे बहुत परेशान करा, तो मैं अपने फिर मम्मी पापा पास चली गई, फैमिली के पास। तो वहाँ फिर मैं 2000 वो करीब 8-9 महीने बाद वापस आए, तब भी ऐसी खाली हाथ आए, तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस आदमी साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि लाइफ अच्छी हो या बुरी हो उसे अच्छे से जीना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जब मैंने 2009 में केस किया था और 2010 में एक तरफा फैसला हो गया था, उसने जो है जजमेंट जो हुआ था वो मेरे हक में हो गया था उस टाइम। उन्होंने फराज जी, जिस दिन आपके साथ ये घटना घटी उस दिन आपके आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा था? लोगों का तो व्यवहार मतलब जिस टाइम मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि ये एसिड है, मुझे ऐसा लगा कि ये गुनगुना पानी है, तो मैंने 2-3 आवाजें निकाली तो मम्मी मेरे पास आ गई, बाकी सारे मोहल्ले के लोग आ गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि इसको पानी डाल दो या इस एसिड को पोंछ दो, क्योंकि मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था, मेरी मम्मी थी और नानी थी, तो मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। मेरे ऊपर जिस टाइम एसिड डाला तो उसके 2 सेकंड बाद मेरी बॉडी में मतलब जैसी कोई ग्रेवी बनाते इस तरह से खोलने लगी थी और सारी मेरी बॉडी कांपने लगी थी, तो मतलब मेरे तो कुछ माइंड में आया ही नहीं कि ये हुआ क्या है। घटना के बाद आरोपी पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? जी, जब हमारे पापा सुबह दिल्ली में रहते थे, पापा सुबह आए तब उन्होंने रिपोर्ट करवाई, बयान मेरे रात को ही हो गए थे, तब उसके बाद वो उसी रात में ही पकड़ गए थे, लेकिन उनको केवल 3.5 साल की सजा हुई थी। और सारे प्रूफ होने के बाद जज को ये सब दिख रहा था मेरी कंडीशन कैसी, उसके बावजूद 3.5 साल की सजा उनको दी, लेकिन इस चीज से हमें मतलब अफसोस हुआ कि मतलब सारे प्रूफ होने के बाद केवल उसको 3.5 साल की सजा मिली, जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। जिसने पूरी आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे सिर्फ 3.5 साल की सजा मिली सारे प्रूफ सारे एविडेंस होने के बाद, और वो आज आजाद है। आप कहीं ना कहीं अपने उस हादसे से आज भी बाहर नहीं निकल पाई है। हमारे साथ मीना जी हैं। मीना जी, क्या हुआ था उस दिन, उस घटना के बारे में आप बताइए। 30 जून 2004 में मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे ऊपर सोते समय एसिड डाला था जी, और एसिड क्यों डाला था ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं एक एनजीओ में काम करती थी, उनका मानना था कि आप काम करती हैं, काम की एक टाइमिंग होती है 10 बजे से 4 बजे तक, आप सुबह जाती हैं शाम को वापस आती हैं, ये ऐसा कौन सा ऑफिस है। जिस समय मेरे ऊपर एसिड पड़ा उस समय खबर ले रहा पत्रकार थी, खबर एरिया पेपर एक बुंदेलखंड में निकलता उसकी मैं रिपोर्टर थी, तो रिपोर्टरों का तो कोई टाइमिंग नहीं होता है कितने टाइम आना है कितने टाइम जाना है, उनको ये लग रहा था कि शायद हम कुछ और कर रहे हैं। आपके हस्बैंड कुछ काम करते थे? नहीं, मेरे हस्बैंड टीबी के मरीज थे, मेरे हस्बैंड कुछ भी काम नहीं करते थे, वो घर पे रहते थे। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए, कौन सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? बदलाव तो बहुत, दिक्कतें तो बहुत आई और बदलाव भी बहुत हुआ, दिक्कतें ऐसी ऐसी आई कि क्या कहते हैं, जिस समाज में हम रहते थे, जिस समाज जो समाज हमको बेटी की तरह देखता था कि ये हमारी बेटी है ये हमारी बहू, उस समाज के लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया,
हम एकदम अकेले हो गए, हमारे बच्चे कहीं, हम कहीं, हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, कोई भी नहीं था, मैं अकेले थी उस समय। मगर हाँ, मैं ये कहूँगी कि जिस एनजीओ में मैं काम करती थी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, शायद जिससे उन्होंने, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये सब बोलने के काबिल हो गई हूँ। जी इकबाल जी, आपके पास आना चाहते हैं। इकबाल भाई, क्या वजह है कि समाज में एसिड अटैक की घटनाएं रुक नहीं रही हैं? समाज में ऐसी कौन सी वजह है जो इसके लिए जिम्मेदार है? आदमी के अंदर की का जो अहंकार है, ईगो है, मुझे जितनी भी कहानियां सुनी मैंने यहाँ पे, कुछ इश्क की दास्तान है, कुछ शक वाली बात है, या कहीं पर हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन दूसरे को मुजरिम समझ लेते हैं और अपने खुद को जज समझ के इंसाफ भी करना चाहते हैं, ये ड्यू और ये जितने भी एसिड अटैक है, आप ये भी एक देखिए कि सारे मर्दों की तरफ से हैं, औरतों की तरफ से नहीं है जी। यानी ये जो अहंकार है ये मर्दों में ही ज्यादा है और ये दिमागी कमजोरी का एक नाम है, ये जो अहंकार। अगर हम इसे बीमारी शब्द देते हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। हाँ, ये बीमारी है, वो भी है, लेकिन ये एक अलग किस्म की बीमारी है जी। कि अहंकार को निकालने का तरीका और इतना जो तरीका उन्होंने ढूंढा है उन लोगों ने जी, जैसे कत्ल करने का तरीका ढूंढा होता अहंकार ने, दिल दुखाने का ढूंढा होता, ये किसी के चेहरे को, जिस चेहरे से आप प्यार भी करते रहे और ये जानते हैं कि मैंने पल पल किस्त किस्त ये जिंदगी भर मरता रहेगा ये करेक्टर, और ये सजे के लिए अपने आप को आपने तैयार कर लिया, तो आप कितने बड़े क्रिमिनल हो, आप कितने बड़े क्रिमिनल हो, यानी उसको हर पल एक मौत देने के लिए आप तैयार हो। कोई आदमी एक पल की मौत देता है, गर्दन काट दिया। आप एक औरत को, जैसे ये दोनों बच्चियां भी हैं, इनकी जिंदगी में सुन रहा था, देखिए कितनी मौत, अनगिनत मौतें मरती है जी, और ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब ये कैसे करता है ये इंसान, ये एक अलग ब्रीड है, ये मुझे लगता है ये अलग ब्रीड है जी। ये आम इंसानों में ये नहीं आते, एक अलग ब्रीड है और ये बीमारी भी है और बीमारी से बढ़कर ये शराब है। क्या समाज एसिड अटैक पीड़ितों के साथ पूरा सहयोग करता है जिसकी दरकार होती है? अगर नहीं तो फिर समाज की मानसिकता में बदलाव कैसे लाया जाए? सबसे बड़ी जो पहलू आपने, मुझे अभी जो तकलीफ हुई अटैक की कहानी सुन के, तकलीफ उतनी नहीं हुई जितनी ये सुन के तकलीफ हुई कि अटैक के बाद समाज ने इनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया और किस तरह से समाज नपुंसक बना रहा। मतलब ये तो सबसे बड़ी खराब बात, वो तो एक आदमी की खराबी की बात है कि एक आदमी की खराबी की बात है, लेकिन उस पर जो रिएक्शन में जो समाज के ये लोग रिएक्शन बता रहे थे, यानी यहाँ तो समाज का समाज खराब। इकबाल भाई, फिल्म, साहित्य, कला का समाज पर सबसे ज्यादा असर होता है, क्या एसिड अटैक के मामलों में समाज का ये हिस्सा अपनी जिम्मेदारी निभाता दिख रहा है? अभी हमारे फिल्म में, जो फिल्म की मेकिंग भी, जैसे आपने समाज बोला, खान मार्केट, वही खान मार्केट का आईना वही फिल्म है, यहाँ सच्ची चीजें, दो औरतों को एसिड दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, उसी तरह इसी कहानी को आप फिल्म में बनाने जाएं तो दो आदमी मिलेंगे जो देखेंगे, बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं जाहिर करेंगे, हर जगह यही मानसिकता हो गई। इसलिए फिल्मों में भी बहुत सारे सीरियस लोग हैं जो इस तरह के इश्यू को उठाना चाहते हैं और उठाते भी, जब वक्त वक्त पे ऐसी सीरियस फिल्में आती हैं, लेकिन ज्यादा फिल्में नहीं आती जो एक अच्छाई की तरफ, जो 90% 80% रुझान होना चाहिए, रुझान नहीं है, समाज में भी नहीं है और फिल्म में भी नहीं है, क्योंकि फिल्म समाज का आईना है या समाज फिल्म का आईना है। आप भी फिल्में बनाते हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आती कि इस तरीके के टॉपिक्स को लेकर आती, क्योंकि इन बच्चियों पे आंसू, इन बच्चियों के गम में रोने के लिए जो आंसू है मुझे मार्केट से खरीदने नहीं पड़ेंगे, मेरे अपने हैं, लेकिन फिल्म बनाने के लिए मुझे करोड़ों रुपए मार्केट से लेने पड़ेंगे जो किसी दूसरे के जी, तो वहां पे मेरी मर्जी नहीं चलती मोहसिन साहब। फिर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं, ये तो हर आदमी, देखो सच्चाई को कौन नहीं समझता, ये बात अलग है कि उसको फॉलो नहीं करता जी, रोशनी को कौन नहीं देखता, ये बात कोई है कि बंद कमरे में रहना पसंद कर ले,
अरे ये सच है, दिल दहला देने वाला सच है। और ये सोच के और भी डर लगता है कि कल ये वाकया हमारे घर में भी हो सकता है, हमारी बहन बेटियों के साथ होता है, फिर हम जी पाएंगे क्या? एक सवालिया निशान लग जाता। तभी तक आप सेफ है जब तक आपके घर में ये आग नहीं पहुंची। लेकिन नहीं पहुंच सकती, इसकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं। इसलिए हम सबको मिलकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून, जैसे लखनऊ से उन मोहतरमा ने कहा 3.5 साल की सजा, उनको सिर्फ उसको गम अभी इस बात का कि इतना बड़ा मुझे पल पल मौत देने वाला 200 साल तक, सिर्फ 3 साल की सजा। अब ये जो सजा है ये उन अटैक करने वालों का दिल बढ़ाएगा, अरे मारना यार क्या होगा, 3.5 साल की सजा होगी, साल बर्बाद कर दो। अरे ये सजा सजा नहीं है, बदमाशों के लिए हौसला अफजाई है। जी, दो आंखें हैं तुम्हारी, तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस अहम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। योग दिवस, योग संभावनाओं को संभव बनाए। हेलो लड़की है मामा जी। क्या खबर पक्की है? हाँ जी। तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है। वो लड़की है जी। महेश सोच क्या रहा है, बहू को तैयार कर जल्दी। अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान के। रजनी तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ा, भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है। इतना आसान नहीं है जिंदगी को जीना, कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है एक दर्द को भूलने में। आशीष जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में सबसे बड़ी क्या दिक्कत आती है? पहली बात, जब आप किसी से एसिड सर्वाइवर से मिलते हैं तो वही, जिस तरह लक्ष्मी ने बताया, सोनिया ने बताया, फला ने बताया, मीना जी ने बताया कि दिक्कत है, सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं करती है जी। और उनके लिए मुश्किल इस बात की आ जाती है घर से कैसे निकला जाए। सोसाइटी उन्हें डिस्कनेक्ट कर देती है, अलग कर देती है और उनसे बात नहीं करती है। उसे सोनिया ने बताया कि रिश्तेदार इस तरह के कहते हैं कि मार दो इसको, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वही खत्म हो जाता है निकलने का।
और जब कैंपेन स्टार्ट किया था 2013 में कानून बना था, मतलब इंडिया में जो रिकॉग्नाइज हुआ था 2013 में कोई एसिड एक्ट क्राइम के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ था, तो उसके बाद तो गवर्नमेंट को, सरकार तब जानने लगी है कि एक ऐसा भी क्राइम होता है, भारत सरकार तब जानी कि ऐसा भी क्राइम होता है, और इसको NCERB ने रिपोर्ट किया था 2015 में कि 309 केसेस हुए हैं 2014 में। तो आप समझ लीजिए कि इसके पहले भी जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, उससे पहले सरकार को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई क्राइम होता है, कानून ही नहीं आपके पास कानून नहीं था तो आप कैसे पता करते। तो जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया 8 मार्च 2013 को हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया था स्टॉप एसिड अटैक्स करके, तो हम लोगों ने सर्वाइवर से बात करना चालू किया, तो मुश्किलात ये था कि उनसे बात करके उनको बाहर निकालना, क्योंकि जब मैं अपनी बात कहूंगा तो हो सकता है उतनी वैल्यू ना हो, उतनी बात की तवज्जो ना मिले, मगर जब ये लोग अपनी बात कहेंगी, ये अपने चेहरे के साथ सामने आएंगी, तो लोग हो सकता है ज्यादा इनकी बात को समझें, और महत्वपूर्ण भी यह था कि बाहर निकल के आएं, क्योंकि सोसाइटी इनके साथ ये काम किया है, सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं, तो इनको चेहरा छुपाने की क्यों आ रहा है, ये क्यों चेहरा छुपा रही है, तो इसलिए जरूरत था ये लोग बाहर निकले। तो हम लोगों ने काउंसलिंग इनकी की, इनसे बहुत सारी बात की, इनसे बहुत सारा डिस्कशन किया, तो उन लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास आया, लक्ष्मी उदाहरण है आपके सामने, जिन्होंने इतनी सारी लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी है, और लक्ष्मी बहुत पहले आगे आ गई थी, लक्ष्मी ने और भी सर्वाइवर्स को जो है वो हौसला दिया, आगे आए अपनी बात रखें, तो इससे कारवा बन चल पड़ा, और आज कैंपेन में बहुत सारी सर्वाइवर्स हैं जो काम करती हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, आपको बताना चाहूँगा कि सीरोज हैंगआउट करके एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि सर्वाइवर्स को जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, लक्ष्मी है, सोनिया ने आपको बताया कि अटैक के बाद कोई जॉब नहीं देता है, जो लोग जॉब देते हैं वो बहुत नेगोशिएट करते हैं कि आपको बैकएंड में जॉब मिलेगा, क्योंकि आपका चेहरा ठीक नहीं है, आपको मैं फ्रंट डेस्क की जॉब नहीं दे सकता हूँ। तो हम लोगों ने सीरोज करके एक कैफे स्टार्ट किया है आगरा में, जहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो खुद कैफे को चलाती हैं, मतलब इंडिया का पहला ऐसा कैफे है जो एसिड अटैक सर्वाइवर चलाती हैं, खुद सर्विस करती हैं, खुद कम्युनिकेशन करती हैं, खुद अकाउंट देखती हैं, पूरे कैफे को रन करती हैं, और एक मॉडल के रूप में आज जाना जाता है, और इसी की तर्ज पे एक लखनऊ में खुला है। तो ये अच्छी बात है कि बड़ी बात है कि आप ऐसे समाज में जहां लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, अब ये भी देखिए कि आप तमाम को मेल भी आते हैं कि अब वो ऐसे टैक्स सर्वाइवर्स को जॉब देना चाहते हैं, जहां पहले लोग जॉब नहीं दे रहे थे, अब फोन आते हैं, अब कॉल आते हैं, लोग देना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। हाँ, पहल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बताना होता है, ये उसी तरह सपने देखती हैं, उसी तरह खाती हैं, उसी तरह बोलती हैं, उसी तरह इनके ख्वाब हैं, जिस तरीके से हम और आप हैं, बिल्कुल नॉर्मल। अगर सरकार की बात करें, सरकार ने अब तक एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए क्या किया है और अब तक उठाए गए कदम क्या संतोषजनक हैं? देखिए, सरकार ने तो काम क्या किया है, लक्ष्मी की PIL पे, रिट पे जो डिसीजन आया था कि 3 लाख रुपए कंपनसेशन देना है और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री देना है, और इनके पुनर्वास के लिए बातचीत चल ही रही है, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल है, और एक चंचल थी उनकी रिट पे एक फैसला आया था, एक PIL फैसला आया था कि इनको हैंडीकैप्स उसमें कोटे में रखा जाए जी। मगर देखिए, और एसिड रेगुलेशन की बात कही थी, मगर देखिए इस पे काम हुआ है कि नहीं, इस पे गौर करने वाली बात है। सरकार को तो डायरेक्शन मिल गया है, मगर क्या सरकार ने उस पे कितना काम किया, अमली जामा उसको पहनाया गया कि नहीं पहनाया गया, जमीनी स्तर पर कुछ है या नहीं है। कंपनसेशन वाली बात है, काफी पहले पता ही नहीं था, पॉलिसी तो बन जाती है, कानून भी आ जाते हैं, मगर ये पता नहीं सर्वाइवर्स को कि उसे कंपनसेशन कैसे लेना है। भाई, आपने कानून बना दिया, पॉलिसी बना दी, बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, मगर वो सर्वाइवर जिसको ये इसका लाभ मिलना है, उसे नहीं पता कि वो किस विभाग में जाए, कैसे उसको कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। आपने इसको प्रणाली तो सरल नहीं बनाई ना, आप पॉलिसी बना देने से उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा ना। तो मेरा ये मानना है कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए तो उसको सरल करे और जिस सर्वाइवर तक मिलना है उसको पहुंचे। अब जैसे ये कहा गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, नहीं एडमिट करते हैं। मैंने बहुत बार सामना किया, बहुत बार सर्वाइवर्स को लेकर जब काफी लड़ाई लड़नी पड़ती है तब जाके इनको समझाना पड़ता है, तब जाके कहीं बात समझ में आती है। मगर सरकार ने कभी किसी हॉस्पिटल को नोटिफाई नहीं किया इसको इतना फंड दिया जा चुका है, कभी कोई नोटिफाई नहीं किया। जब किसी हॉस्पिटल को आप फंड नोटिफाई करोगे तब जाके वो इलाज चालू करेगा ना। तो कहीं ना कहीं हवाई बातें ज्यादा हैं और जमीनी स्तर पर वो काम, वो हेल्प, वो सहायता नजर नहीं आ रही। हाँ, कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, कहीं दिखता है काम करते हुए, मगर कहीं कहीं कुछ स्टेट गवर्नमेंट जिस स्तर पर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं इस बात को एकदम आपकी बात से जोड़ना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है और इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी बात, ऐसी बात में समाज कोशिश कर रहा है। एक हमारे साथ राहुल जी भी यहाँ मौजूद हैं, फोटोग्राफर हैं, जिन फैशन शो या फोटो शूट के लिए लोग खूबसूरत चेहरों की तलाश करते हैं, वहाँ पर राहुल जी ने ये एसिड विक्टिम को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत फोटो शूट किया था, जो इन्हें हाईलाइट भी किया और इनके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हुआ था। राहुल जी से जानते हैं, आखिर उन्होंने क्या किया था।
एक्चुअली 2 साल पहले मैं लक्ष्मी का इंटरव्यू ले रहा था डॉक्यूमेंट्री के लिए, और मैं पूछ रहा था कि आपको मतलब किन चीज़ों से ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लक्ष्मी ने बोला कि जब समाज मतलब कमेंट करता है कि अगर आप सुंदर नहीं दिखते हो तो फेस कवर करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं सभी सर्वाइवर्स की पिक्चर्स देख रहा था, तो पिक्चर्स बहुत ही ब्लैक एंड वाइट, डल या फेस कवर किए हुए वैसी थी। तो मुझे लगा कि इनका एक और साइड भी है, क्योंकि मैं इनको जानता था, मिलता था तब, इनका एक अच्छा साइड भी मैंने बहुत पॉजिटिव साइड देखा है एंड वो बहुत पावरफुल है। तो वो देखने के बाद इनमें से एक सर्वाइवर रूपा है जिसने डिज़ाइन बनाए थे कपड़ों के, उन्होंने बोला कि मुझे ये डिज़ाइंस आगे वेबसाइट में देने हैं या सेल करने हैं, उसके लिए मॉडल्स के साथ इनका फ़ोटोशूट करना है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि मॉडल्स को नहीं लेंगे हम, क्योंकि जब आप एक इतने पावरफुल इंसान हो और जब आपको हम ले सकते हैं तो अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट आप, और एक्चुअली सोसाइटी में हमारे जो कोई भी ब्रांड बिकता है तो वो सिर्फ फेस के कारण बिकता है कि फेयर एंड लवली है तो फेयर स्किन होनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है कि ब्यूटी के ऐसे फीचर्स बनाए हुए हैं कि अगर ये नहीं है तो आप सुंदर नहीं हो, ये है तो ही आप सुंदर हो, और इसीलिए हर एक चीज़ बिकती है। तो हमने सोचा कि उस सब को साइड में रखे और हम इनको लेंगे। एंड उसके बाद में जब हमने शूट किया और वो बहुत बहुत इंटरनेशनल अक्लेम हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया, तो जो भी आर्टिस्ट फील्ड है उससे आप पूरे समाज का नज़रिया एक सेकंड में बदल सकते हो। और उनकी इतनी कलर्ड पिक्चर्स कैंडिड थी, मुझे पोज करने के लिए नहीं बोलना पड़ा इनको, तो बहुत ही नेचुरल था सब कुछ, और वो इतना पावरफुल था कि लोग उसे एक मिनट में कनेक्ट हो गए। सुदीप जी, कानून की नज़र में एसिड अटैक कितना गंभीर अपराध है? इसमें कितने साल की सजा हो सकती है? क्या एसिड अटैक के मामले में मुआवजा मिलता है तो कितना, और क्या वो काफी होता है? देखिए मोहसिन जी, इसमें दो मुद्दे हैं, दो मूल मुद्दे जो कि हमें पता लगा 2013 के बाद ही हमारे देश के जो कानूनी ढांचा है उसके अंदर हमने एसिड अटैक को भी एक जुर्म माना है। 326A के तहत अभी जो हम सुन रहे थे, जो लखनऊ से जो मुकदमा है, उनको 3.5 साल का सजा हुआ है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक कमीशन का गठन किया गया था, जस्टिस J.S. वर्मा कमीशन। उस कमीशन ने इन सारे मुद्दों को मूल तौर पे उसका विचार करने के बाद ये निर्णय लिया था कि सजा कम से कम 10 साल का होगा, और जो सबसे ज्यादा सजा होगा वो होगा आजीवन कारावास का। तो 326A 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत वो सजा बढ़ा दिया गया है आज के। दूसरा जो मूल मुद्दा है, जो लक्ष्मी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालती है, उसमें ये मूल मुद्दा आया था कि एसिड मिलता कहां से है इतना आसानी से। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया है सभी स्टेट राज्य सरकारों को कि कोई भी दुकान में बिना परमिशन के, उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन के बिना मूल एसिड नहीं बिक सकता है। ये 18/7/2013 का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद और एक याचिका आती है सुप्रीम कोर्ट में, परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लक्ष्मी जी का, हमारे साथ है लक्ष्मी, उनके याचिका में जो डायरेक्शन हुए उनको कंसिडर करने के बाद दो और अहम मुद्दों पे भी गौर किया था। उनमें से एक था कि सोचिए कोई विक्टिम है, वो अस्पताल जाती है, कोई प्राइवेट अस्पताल पास में है। पहले होता था कि वो मना कर देते थे कि हमारे पास मूल सुविधाएं नहीं है इस तरह की पेशेंट के साथ डील करने के लिए। लेकिन क्रिमिनल लॉ में भी CRPC में एक अमेंडमेंट लाया गया है सेक्शन 357C के तहत, जिसमें कि अब उनके ऊपर ये नेसेसरी मैंडेटरी कर दिया गया है कि सरकारी अस्पताल तो करेंगे ही फ्री में इलाज, प्राइवेट अस्पताल भी फ्री में इलाज करेंगे उनका। लेकिन वो नजर तो कहीं आ नहीं रहा है। अभी आशीष जी बता रहे थे वो आ गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई पालन करता हुआ तो नजर आ नहीं रहा। यहीं पे जो सिविक एजेंसीज, उसलिए डायरेक्शन SDM को था, पहले कॉम्पेंसेशन भी कुछ नहीं था, तो अभी मिनिमम कॉम्पेंसेशन जो भी विक्टिम होगा उनको 3 लाख रुपए हर राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। उसमें भी कई सारे 17 राज्य
जब परिवर्तन में हुआ था सिर्फ 17 राज्यों के पास एक स्कीम था कि हम कितना पैसा इनको अलॉट करेंगे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया। लेकिन सुदीप जी, क्या आपको लगता है कि जो 3 लाख रुपए मुआवजा जो कानून ने, सरकार ने देने का काम कर रहे हैं यहाँ, या उन्होंने कमिटमेंट किया, वो 3 लाख रुपए किसी एक इंसान की जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वो 3 लाख रुपए वो उसे जिंदगी को ठीक करने का काम करेंगे? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज पे गौर फरमाया है और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें देख के इतना बुरा लगता है, तो जो गुजर रहा होगा उस दर्द से उसका किस तरीका क्या, तो वो 3 लाख रुपए जो है मिनिमम है, वो हर सरकार, हर राज्य सरकार बाध्य है आज के तारीख में देने के, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई लोग दूसरे एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, कई लोग को वो साधन भी नहीं होता कि वो 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी। सुदीप जी, एसिड अटैक पीड़ितों को किस तरह की कानूनी सहायता मिलती है, क्या वो काफी होती है, अगर नहीं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए 2015 के बाद, क्योंकि कानून में जो भी संशोधन आया है वो 2013 से आया है, 2015 में जब ये परिवर्तन नामक एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालती है, तो ये इन सारे मुद्दों पे एक सभी समाज के सभी ढांचों से सभी लोगों का मत लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक स्कीम होना चाहिए, एक स्कीम के तहत जो एलटीएम होगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा शुरुआती दौर में ही, ताकि इनको दौड़ना ना पड़े, क्योंकि फाइनेंस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है, हॉस्पिटल्स मना कर देती थी प्राइवेट, और इसी के तहत 357(c) लाया गया ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी मूल सुविधाएं, जो मूल ट्रीटमेंट है उसको भी मना ना कर पाए। बिल्कुल सुदीप जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है या जो सरकारों के लिए गाइडलाइन है, हम उम्मीद करते हैं वो बातें सिर्फ बातें ना रहें, जमीनी स्तर पर उसका असर नजर आए। लक्ष्मी जी, हम आपसे पास आना चाहते हैं, जो बातें अभी सुदीप जी कह रहे हैं, क्या आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती दौर पे जब हम लोगों के साथ ही ऐसा हुआ था कि बहुत सारे उस टाइम पे एसिड अटैक हुए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और उसके बाद जैसे आशीष जी ने भी बताया कि कोर्ट कह देता है लेकिन उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, शुरुआत अगर इधर नीचे से हो रही है तो वो शुरुआत थोड़ी ढंग से हो तो वो चीजें अच्छी हैं, तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, लेकिन उसमें ढंग से इम्प्लीमेंट तो हो, किसी को ढंग से मदद तो मिले। उल्टा हो रहा है कि ऊपर से सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं लेकिन वो नीचे कहीं नजर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं, मेडिकल टर्म में हम एसिड अटैक को कैसे देखते हैं, इलाज में कितना खर्चा आता है? देखिए, इलाज डिपेंड करता है कि एरिया इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है बॉडी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, वेदर ये प्राइवेट में कराना है, गवर्नमेंट में कराना है। गवर्नमेंट में तो हालांकि आजकल फ्री है सब, लेकिन प्राइवेट में डिपेंड ऑन द एक्सटेंट, ये कई लाखों में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कि 3 लाख जो कंपनसेशन जो रखा गया है कि वो इनफ है, कईयों का बॉडी इन्वॉल्वमेंट मोर देन 50% भी हो जाता है, तो उसमें तो खर्चा उनका काफ़ी कई लाखों में चला जाता है, 10, 15, 20 लाख कितना भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग जो होती है, ग्राफ्टिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। कहीं इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये बढ़ता बढ़ता रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई एसिड अटैक होता है तो उसे तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जैसे ही अटैक हो उनको पहले हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए। सबसे पहली है तो उनको कोल्ड जो वाटर होता है, रादर देन आइसिंग वगैरह, कोल्ड वाटर की अगर फैसिलिटीज है तुरंत तो वो, अदरवाइज नॉर्मल जो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर है वो उनको स्प्रेड करवा देना चाहिए बॉडी पे, सो दैट कि उसका जो अटैक है बहुत ज़्यादा डीपर ना जाए, क्योंकि डीपर जितना टिश्यू में जाएगा वो उतनी ज़्यादा स्कारिंग होगी, जैसा कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, तो उतनी ज़्यादा स्कारिंग होने से ज़्यादा बैड इफेक्ट और ज़्यादा जो अगलीनेस जो आती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी टेक्निक है क्या कि अगर किसी के साथ ही ऐसा हादसा हो गया है तो उसे वापस लगभग उसी जो नेचुरल उसकी स्किन थी वहां तक पहुंचाया जा सके? देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि एसिड किस टाइप का यूज किया गया है,
और उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। यह जैसे फेस पे है, फेस नेक जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वहाँ पे क्या है कि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा थिन होती है, जैसे अटैक होता है तुरंत ही मतलब एसिड जो है बहुत डीपर एक्शन करने लग जाता है अपना, वहाँ ज़्यादा स्कारिंग है, ज़्यादा अगलीनेस आती है। बाकी और बॉडी पार्ट्स हैं जैसे चेस्ट हो गया, लेग्स हो गया, आर्म्स हो गया, वहाँ रिलेटिवली एसिड का जो अटैक है काफ़ी कम होता है, मीन्स डीपर एक्शन नहीं हो पाता है उसका। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से अस्पताल हैं अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें जहाँ एसिड अटैक का सबसे अच्छा इलाज होता है? देखिए, सबसे अच्छा और बड़ा हम देखें तो सबसे बड़ा तो अपना ऑल इंडिया एम्स ही है, जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी जितने भी टर्सरी सेंटर हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं जो बड़े बड़े गवर्नमेंट, वहाँ पे बर्न और प्लास्टिक जो वार्ड है उसी में एसिड अटैक वालों का ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सारी फैसिलिटीज सब अवेलेबल हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को मना कर दिया जाएगा ट्रीटमेंट से कि भाई ये एसिड अटैक का है तो हम ट्रीटमेंट इनका नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बर्न का जो केस होता है उसी के ही अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है एसिड वाले पे। सोनिया जी, आपके साथ जो हादसा हुआ उसे काफ़ी समय हो चुका है, आखिर में हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से, कोई भी ऐसा मैसेज कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर तरीके से जी सकते हैं, या कुछ भी सरकार से कोई अपील करना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको आप जज ना करें बाहर, बल्कि उसे और हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको एक चेहरे को देख के जजमेंट करें, हमें ये बोलना चाहिए कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, आप हमारे लिए वही इंसान कल थे, क्योंकि इंसान वही है, वही हाथ वही पैर वही हार्ट है, लेकिन एक चेहरे के बदल जाने से हम नहीं बदल जाते हैं। तो इंसान को सबसे जो पहला जो पॉइंट है कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ हमें उन्हें अलग नजरे से नहीं देखना है। दूसरा ये कि अगर जैसे कि एसिड के लिए एक वो निकाला गया है कि अगर कोई एसिड सेल करता है तो वो एक लाइसेंस के थ्रू सेल करेगा, वो लो निकला है लेकिन कोई उसका पालन नहीं कर रहा। आज भी मेरी गली में साइकिल पे एसिड बेचने वाला आता है और 20 रुपीज की बॉटल चिल्ला चिल्ला के वो सेल करता है, खुलेआम एसिड सेल हो रहा है। तो कम से कम उस पर भी अमल करना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर लाइसेंस होगा तो हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में कहाँ हमें एसिड सेल हुआ है। कल को कोई अगर अटैक होता है, कई बार ऐसा होता है कि अटैक जिसने किया है वो साथ में घूम रहा है, नहीं देख पाती है पीड़ित, और वो एक तरीके से मदद के तौर पे साथ में घूम रहा है और बाद में पता चलता है जाकर के कि वही अटैकर था। जी, लक्ष्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज पब्लिक की, इसलिए क्योंकि आज से 3 साल पहले ये सारी घटनाएं हम लोगों के साथ होती थी, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती थी, सोसाइटी ये सब करती थी, लेकिन आज इसलिए थैंकफुल हूँ कि वही सोसाइटी आज हमसे बात करना चाहती है और आज हमें सराहती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो ऐसे ही हम एक यूथ है, फेसबुक है, उससे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज हम फेसबुक में अपनी फोटोज डालते हैं तो बहुत सारे थाउजेंड में लाइक्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि समाज की सोच बिल्कुल सोच बदली है, वो सोच ऐसे बदली है क्योंकि हम सामने आए हैं, और जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे सामने आने की तो सामने वाला कैसे हिम्मत करेगा हमसे फेस करने की। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद एक पीड़ित क्यों बन रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ मेरा है कि क्या लगता है आपको कि समाज आपको कहीं ना कहीं सिंपैथी जताता है या अपने जैसा समझ के आपको अपने साथ लेके चलता है? ये मुझे ऐसा लगता है कि आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। मैं अपने आप को कभी ऐसा प्रेजेंट नहीं करूंगी कि मैं एक पीड़िता हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, हर कोई सर्वाइवर है, हर कोई सर्वाइव कर रहा है किसी ना किसी चीज को लेके, और हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां होती है, उस पर ट्रीटमेंट होता है, ऐसी हमारे साथ भी हुआ है और उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, हम भी बात कर सकते हैं, हम भी वही सारी ब्यूटी वही सारी चीजें लेके सामने आते हैं, सबकी तरह ही है। तो वो चीजें हम क्यों पीड़िता बने, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक सर्वाइवर है, हमारा नाम है, हमें नाम से बुलाइए, एक पीड़िता के रूप में कभी मत बुलाइए। हम सीधा लखनऊ रुख करते हैं, लखनऊ में हमारे साथ फराज जी, सबसे पहले हम आपसे आखिरी आपका कमेंट चाहते हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें बहुत संक्षिप्त में।
जी मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि बहुत सारी मैंने ऐसे देखा है जो बच्चियां हैं जिन पे अटैक हुए हैं, वो कमजोर हैं, रोती हैं, परेशान होती हैं, तो हम यही चाहते हैं जितने भी हादसे हुए हैं जिनके अटैक हुए हैं उनसे वो लोग आगे बढ़ें और जो हो गया है उसके लिए ना सोचें, हर कदम आगे बढ़ें और हिम्मत से दुनिया को ये दिखाएं कि हम लोग लेडीज ताकत कितनी होती है। तो इसलिए रोना और परेशान होना बिल्कुल खत्म करें और अपना कदम आगे बढ़ाएं और लोगों को हिम्मत हौसला दें। बिल्कुल बिल्कुल। मीना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं लक्ष्मी जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि जब तक भी सर्वाइवर अपना अपना आगे नहीं आएंगी, अपनी अपनी हिम्मत नहीं दिखाएंगी, तब तक के कोई काम बनने वाला नहीं है। हम समाज को दुनिया को ये दिखा दे कि देखिए हम पीड़िता जरूर हैं लेकिन हमारे अंदर वो सारी ताकतें हैं जो कि हम समाज में बराबर से रह के काम कर सकते हैं। वही हमारा मन है, वही हमारा दिल है, वही हमारी इच्छा है। कोई ये मत सोचे कि हम तो अब हमारा चेहरा जल गया, हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। जी, तो कोई भी लड़की जिसके साथ भी ऐसे हादसे होते हैं वो आगे से आगे आए, और हमें लगता है जैसे ही हम लोगों को ये सब सारी चीजों का पता चलता हम उनका एकदम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जी आशीष जी, आखिर में एक बहुत छोटे से संक्षिप्त में आपका जवाब चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से इस तरीके के अटैक या विक्टिम्स पर रोक लगाई जा सकती है? मुझे लगता है कि पहले बात हम सबको बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच है, तो इस पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए पहले बदलाव अपने आप से आता है। मैं दुनिया को मैंने एनजीओ चलाता हूँ, कुछ भी करते हैं हम लोग, तो हम लोग दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने को कभी नहीं बदलते। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, यही बात कहना चाहूंगा, कि व्यक्ति को अपने आप में बदलाव लाएगा तभी वो अपने आसपास की उस तरह का दोस्त बनाएगा, उसी तरह का समाज बनाएगा। तो हमें जरूरत इस बात की है कि अपने आप को बदला जाए, तभी लगता है ये अटैक या अपराध या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे समाज की इनकी मदद करते हैं। सही है, लेकिन जो अटैक करते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए काम करते हैं? बिल्कुल काम होता है, मगर मेरा मानना है कि सजाएं कभी किसी अपराध को कम नहीं कर सकती है। मेरा मानना है सजा मिलना जरूरी है, ये बात जरूरी है किसी चीज को समझाने के लिए। इसका एक मैसेज जाता है सोसाइटी में। हाँ, जैसे कानून से बताया इन्होंने कि 10 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, कम उससे 10 साल से कम नहीं है। मगर मुझे लगता है सजाएं तो मिलनी चाहिए, मगर व्यक्ति के साथ संवाद बहुत स्थापित करना चाहिए। उसने अटैक क्यों किया इसके परिप्रेक्ष्य में भी जाना चाहिए, बात की जड़ में जरूर पहुंचना चाहिए। क्यों हुआ, नफरत के बदले एसिड, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है। मैं लक्ष्मी जी, सोनिया जी, मीना जी, फराह जी और ऐसे जितने भी तमाम लोग हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं हमारी नजर में, और मैं मोहसिन खान, पूरी जिंदगी की टीम और प्राइम न्यूज इन्हें सलाम करता है और इनके जो हौसला है उसे सलाम करता है। इकबाल दुरानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ आखिर में, आपका एक बहुत छोटा सा मैसेज लेना चाहते हैं हम इन लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, सरकार के लिए, अगर आप कुछ कहना चाहें, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। मेरी एक दरख्वास्त और एक ख्वाहिश, पता नहीं ये सुनते सुनते क्यों हो गई, कि ये 3.5 साल की सजा और 10 साल की सजा, अगर इन अटैक करने वालों को भी तेजाब की सजा दी जाए, ताकि ये उस जलन और उस बदसूरती को अगर जिएंगे ना, तो कोई शायद दूसरी बार हिम्मत नहीं करेगा किसी औरत पे, किसी लड़की पे तेजाब डालने की। अगर मौत की सजा मौत है तो तेजाब की सजा तेजाब क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की। बिल्कुल। दूसरा ये, क्योंकि बात संक्षिप्त में कहने की है जी, दूसरी बात ये कि सरकार सहायता दे, इस लफ्ज दे पे गौर करें, दे। लेकिन होता क्या है कि एक विक्टिम हो जाता है, आप और ये चाहते हैं कि विक्टिम पुकारे, वो विक्टिम भी है, पुकारे भी, दरखास्त भी करे, दौड़े भी, तब आप सहायता दें। सहायता दें, आपको पेपर से पता लग गया कि किसी पर तेजाब फेंका गया, विक्टिम है वो, तो सरकारी लोगों को जिनको चाहिए कि उसकी दौड़ धूप को, संघर्ष को कम कर दे, आपको जो देना है आसानी से उसके झोली में डालें, आप वक्त से पहले डालें, आप उसकी मदद करें। बिल्कुल इकबाल भाई, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कही है, बहुत सही। लेकिन हम वेट करते हैं कि वो मरा भी जा रहा है और फिर भिखारी की तरह हमारे दरवाजे पर आए भी और दरवेशों की तरह सदा भी लगाए, फिर आपका महकमा जाए और उसके दान पट्टी डाले। ये अंदाज सहायता तो फ्री में है, जैसे किसी को दर्द हुआ, आपने सुना, पेपर में देखा, भागिए उसके पास, उसका इलाज कराइए, तो लगेगा, उसको लगेगा हाँ ये देश हमारा है, संविधान हमारा है, कानून हमारा है। अभी तो लगता ही नहीं, अभी मोहब्बत भी झगड़ा करके लेना पड़ता है। जी
और मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इन औरतों को जिन पर ये अटैक हुआ है। और बाकी रही जो बातें हो रही हैं कि इन पे बातें होनी चाहिए जुर्म के ऊपर, ये लोग बातों के देवता हैं ही नहीं। सजा के और भी तरीके होते थे लेकिन ये तेजाब किसी मासूम और औरतों पे ही फेंकने का जो रवैया है इतना जलील और कमीना है कि इनसे तो बातें ही, इनके चेहरे पर बस तेजाब फेंक दो, अब मुझे मिले तो मैं फेंक भी दूँ शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी और बहुत सही बात यहाँ कही है और समाज को यहाँ सीखने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। राहुल, अगर आप संक्षिप्त में बता सकें कि आपके क्या फ्यूचर में भी इस तरीके के कोई प्लान है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली मेरे बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं और लास्ट ईयर हमने एक लास्ट टू लास्ट ईयर कैलेंडर शूट भी किया था जो वर्ल्ड का पहला ऐसा कैलेंडर शूट था जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हमने एज ए मॉडल लिया था। एंड जो मेरा काम है वो जो सोसाइटी की हिपोक्रेसी और डोमिनेंस है उसको दिखाने का है, तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आता है, चाहे वो किसी भी चीज में है, चाहे आता है आप मोटिवेट करने का काम करते हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि खासतौर पर जब ऐसा हादसा किसी के साथ हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, जो उसका मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन चला जाता है, और उसे मोटिवेट करना वो मेरे ख्याल से उस स्थिति में सबसे बड़ा काम होता है जो आप कर रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेल डोमिनेंस की वजह से ही छोटी छोटी चीजें स्टार्ट होती है और फिर वो बड़ी बनती जाती है। हम उम्मीद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने का काम करेंगे। चाहते हैं कि ये साधना प्राइम चैनल ज्यादा से ज्यादा जिंदगी और जिंदगी से जुड़ी हुई सवालों को आवाम के सामने लाए और इसी तरह से पॉजिटिव प्रोग्राम हो और लोगों का हौसला बढ़ाया जाए और सच के झूठ के खिलाफ बोलने की जो है ना ताकत अता फरमाए ये साधना चैनल, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। क्योंकि हमारा टैग भी यही है, क्योंकि सच जरूरी है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि समाज के बीच में खासतौर पर इस जिंदगी प्रोग्राम के जरिए जो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात तक करना पसंद नहीं करते, उन मुद्दों को हम उठाते हैं, ना सिर्फ उठाने का प्रयास करते हैं बल्कि हमारी कोशिश ये रहती है कि उन मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यही है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज इस एपिसोड के बाद हमारा समाज कुछ जागरूक होगा। आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हम और आप बेखौफ होकर जी सकें और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें। हमारी आवाज इतनी बुलंद हो कि उसका असर फिर किसी की जिंदगी को तेजाब ना कर सके। तेरे जुल्म तय हैं और मेरी बर्दाश्त भी जाहिर है, तू अपने फन में माहिर है और मैं अपने फन में। इस मैसेज के साथ मैं और जिंदगी की पूरी टीम आपसे लेती है विदा। अगले हफ्ते हम फिर एक बार मिलेंगे एक नए मुद्दे और उसके समाधान के साथ, जिसका सीधा सरोकार आपसे है, हमसे है। तब तक जिंदगी की जंग को मुस्कुराकर पूरे साहस से लड़ते रहिए और जीतते रहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। नमस्कार।